उत्तराखंड का अल्मोड़ा शहर कभी तांब नगरी के रूप में जाना जाता था, परंतु अब तांबे का काम अपने पतन की ओर है। अब बिल्कुल, पहले तो बहुत काम होता था हमारे, इतने इतने छोटे बच्चों को भी फुर्सत नहीं रहती थी काम के लिए, सब लगते थे, औरत भी, आदमी भी, बच्चे भी, तब वो हमारा काम होता था। आपको ये काम ही नहीं है, कितने सालों से? क्या ये फैक्ट्री खुली जब इधर उधर, उसको जैसे मशीनें लगी तब से हमारा हाथ का काम सब बंद हो गया। गिने चुने हम 10-15 कारीगर बचे हैं बस, अब कोई आए को सीखना ही नहीं चाह रहा। पहले 40-50 करते थे इसी मोहल्ले में। पहले हम मार्केट रोज माल लेके जाते थे शाम को बना के, हाँ डेली का डेली माल लेके जाते थे। अब यहाँ 4-5 दिन, हफ्ता भर 10-15 दिन में माल लेके जाते हैं, वो भी काम नहीं है, बिल्कुल खत्म है। कभी उत्तराखंड ही नहीं, देश का गौरव रहे तांबा कारीगर आज अपने गुजर बसर के लिए भी मजबूर हो गए हैं। आर्थिक गुजर बसर यही है कि दिन भर काम करा इंसान ने, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनाया 8-10 किलो करीबन बना लिया, तो 8-10 बर्तन मतलब किलो के हिसाब से आप लगा लीजिए, किलो के हिसाब से वो कॉस्ट मिलती है यहाँ को। तो फिर उसके जो चीज़ें यूज़ होती है वो मिला हिला के उसमें 300-400 रुपये एक आर्टिशन बचता है सर। एक आर्टिशन की कॉस्ट इतनी मतलब बहुत कम रह जाती है, मतलब एक आर्टिशन को दिन भर काम करके 400-500 रुपये ही मिल पाते हैं, और जिसमें उसको अपना घर भी चलाना है, परिवार को मतलब गुजर बसर के लिए अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। अब काफ़ी कोई कुछ कर रहा, कोई लेबरी कर रहा भी जा रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई दुकानों में काम कर रहे हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई कुछ करता है, नहीं कोई मूँगफली बेचने बैठ गया बेचारा, अब क्या करे, माल ही नहीं बिक रहा। एक तो तांबा महंगा हो गया, 1000 रुपये किलो, 1200 रुपये किलो तांबा हो गया, कौन खरीदता? आदमी सोचता सस्ता सिल्वर स्टील खरीद रहा। ये कभी कभी कर लेता हूँ ना मैं, तो नहीं तो मैं ईंट का काम करता हूँ, प्लास्टर आ जाता हूँ खाली टाइम में, ये भी हर कोई काम, ये कारपेंटरी काम भी कर लेता हूँ, अब जहाँ पर 2 पैसा मिल गया। तो इससे कहाँ से चलेगा इसमें परिवार, खुश यहाँ के लोग खाली हैं। जी हाँ, यही काम करते हैं, बट ये काम ऐसा है हमारा विलुप्त की तरफ जा रहा है, तो अब हमको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा नहीं हो पाता जो होता है यहाँ, क्योंकि तांबा महंगा है, लोग लेना नहीं चाहते हैं, बट तांबा ऐसा जो है वो शुद्ध चीज़ होती है, वो विलुप्त की तरफ जा रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े। आज हम इस स्थिति में हैं कि काम करने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं, और आज स्थिति हमारी ऐसी है कि कुछ समय पूर्व हमारे लोगों का आज इतना हर्ष होता गया है कि आज हमें बहुत मजबूर हो गए हैं कि काम करने में कैसे आगे काम की चुनौतियां करें। उसके लिए मार्केटिंग के लिए हमें दिक्कत है, रॉ मटेरियल की दिक्कत आ गई है, टूल्स के लिए दिक्कत आ रही है, और जो ट्रेडिशनल काम को परिवर्तन करते करते अब हम लोहे के काम में चले गए हैं, जो जैसे ढक्कन बनाना, छोटे छोटे पात्र बनाना, जो आजीवन के रोज के काम है, बर्तनों के छोटे छोटे काम करने लग गए। महिलाएँ, हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि अब महिलाएँ जो बर्तन बनाती थी उनमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, वो महिलाएँ अब हमारे घर में लोगों के वहाँ काम करने का काम, पोछा लगा रहे, बर्तन धोने का काम करने लग गए हैं। करते अब गुजारा तो करना ही पड़ता है, कैसे भी करे, कुछ भी काम करे, करना ही पड़ता है। फिर अब हम कताई का काम करते हैं, कताई का काम करते हैं, हाँ उससे ही अपना चलाते हैं घर। कहाँ कैसे, जैसे घर का काम करते थे, अब कोई ऐसी दुकानों में लगे हैं, ऐसी प्राइवेट में ही कर रहे, दुकानों में ऐसे चला रहे घर। लोगों ने बताया कि पहले ताम्र नगरी हथौड़ों से तांबे की पिटाई की आवाज दिन भर आती थी, लेकिन आज गिने चुने लोग ही काम कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी समस्या कोई सीधा मार्केट का ना होना है। अभी खत्म है जिंदगी, जब तक हम 10-15 बचे हैं तब तक ये काम है, फिर काम ही चौपा। देखिए जैसे खादी के देखो, जगह जगह शोरूम खुले हुए हैं ना, हमारे हस्तशिल्प के लिए कोई शोरूम नहीं है, कहीं भी नहीं है, एक हम अनोखे लाल से ही डिपेंडेंट, जो प्राइवेट पार्टी है उसमें, तो फिर वो अपना मुनाफा देखेगा। यस, वो अपना ही मुनाफा देखेगा सर, हमको थोड़ी देखेगा, वो हमको बस जितना हमारा होता है उतना दे देता है। 1992 में ये ताम नगरी जो दिख रही है हमारी, ये बहुत बड़ी भव्य है, इसमें हमारे 30 वर्ग कार्यशालाएँ खुली हैं, जो मायावती जी के टाइम पे जो
अपनी उत्तराखंड के समय पे मुख्यमंत्री थी, तो उस विषय में ये हमारा खोला गया, ये सब आवास अब हमारे आवासों में परिवर्तन हो गया, सारी कार्यशैली ये कार्यशालाएँ हैं हमारी, लोग इसमें रहने लग गए क्योंकि काम थोड़ा हल्का हो गया, ख़त्म ही हो गया काम, तो इसलिए ये सब अब क्या करते रहने लग गए हैं, रेजिडेंस बना दिया है इसको। तीन पार्ट में बनता है, कैसे? नीचे तला हो गया, ऊपर मला, ऊपर मोहरा, इसका तीनों अलग अलग बनता है। कितना दिन लगता होगा इसमें? बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम तो ढाई घंटे ही कर जाता। अच्छा, इसका कीमत कितना मिलता है फिर? कीमत वही मिलता है, शाम को 100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, अलग अलग वेट के हिसाब से। ये गागर है, इसे गागर कहते हैं पहाड़ी में फौला, ये शादी ब्याह में चलता है ना, हर कितना भी गरीब आदमी हो ये गागर तो इन्हें देनी है तो देनी है। पानी लाता है, हाँ भाई, इसको नौले में डाला ऐसे निकाला, ये पकड़ने के लिए होता है। क्वालिटी खराबी ठहरी मशीन में, और हाथ में तो बहुत काफ़ी पीट पीट के काम बनता है उसका, एक घड़ा बनने में मतलब सुबह से शाम होती है, पीट पीट के बनाया जाता है वो मशीन में, तो डाई से फटाफट बन जाना अठरा। हैंडीक्राफ्ट तो हमारा बहुत पुराना काम है, और आज भी करते हैं, नकासी जैसे करते हैं, तांबे के तौले के कसेरे जो होते हैं, गागर होती है, शादी बरातों में जो ट्रेडिशनल काम होते हैं, वो अभी भी हमारे जागृत हैं, अभी भी हमारे अंदर ब्लड में है, हमारे DNA में है वो सारी चीज़ें। हमको धीरे धीरे ये परिवर्तन इसलिए किया गया क्योंकि हैंडीक्राफ्ट हमारे मार्केट में तो उपलब्ध है, मगर जो बाहर के मार्केट में है वो हम तक अप्रोच नहीं हो पा रही है उसकी, जो हम वहाँ तक जा नहीं पा रहे हैं उसको लेने के लिए। उसको लेने के लिए हमको थोड़ा सा सरकार की सहायता चाहिए होती है, बाहर आने जाने के लिए हमको उसके खर्चे बहन करने पड़ते हैं जो हमारे पॉकेट से अलाउ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपने परिवार के बच्चों को पालना है, भरण पोषण करना है, दिनचर्या चलानी है, तो ये हम लोगों के लिए अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। मेन समस्या है मार्केट आप लोग अप्रोचेबल हो जाए तो हो सकता है आपका जो मार्केट काम धीरे धीरे खत्म हो जाए ना, दोबारा से उठ सकता है, ज़रूर उठ सकता है, और इसको एक बहुत बड़ा फेम मिल सकता है। हमारी संस्कृति नगरी अल्मोड़ा है तो यहाँ की एक पहचान है कुमाऊँ की, कुमाऊँ बढ़ सकते, उत्तराखंड की एक पहचान है कि कॉपर का काम अल्मोड़े के तमटा मोहल्ला में ही किया जाता है। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं पुराने जो देश में प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है, जिन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार लोग जीते भी हैं, हमारे पास ऐसे लोग भी। सरकार ने उनके उत्थान के लिए कागजों पर कई नीतियां बनाई हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। पहले से ही अपने बुरे दौर से गुजर रहे इस उद्योग को कोरोना महामारी ने और बुरा कर दिया है। लोगों की शिकायत के इस दौरान सरकार ने इस वक्त में भी इनकी कोई मदद नहीं की। सर, कोरोना ने बहुत इफेक्ट किया, मतलब ये मान के चलिए 4-5 महीने काम नहीं हुआ सर, तो इफेक्ट ही रहा, मतलब 3 महीने तो लगातार काम ही नहीं हुआ, 3 महीने तक का राशन की भी दिक्कत रही। अब सरकार को हमें कोई हेल्प करे, अब 2000 दीजिए, 4000 से क्या होता है, जैसे 10-5 लाख कोई मदद करे, हम आपके साथ और को जोड़े, अपना काम अपना माल लाए, उनको भी सिखाए, ऐसा तो करती नहीं, 2000 दे दिए, 5000 दे दिया है, पर्दे से नहीं लगा दी, क्या होता है उससे, खाली पैसा बर्बाद करना हो। अलग सरकार देखिए, इसको बचाने के लिए हम लोग बार बार मेले और हैंडीक्राफ्ट और इसको अलग से हम लोग कुछ देख रहे हैं सर, बट उस मेले का फ़ायदा क्या सर बताइए? वो मेले भी तो 2 दिन जाएंगे, 4 दिन रहेंगे, वो महीने 2 महीने में पैसा आता है मेले का, है कि नहीं? अब वो हम क्या तब तक क्या खाएंगे बताइए आप। बीच में जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनने काम में थोड़ा सा कोताही बरती है, और उनको देखा भी नहीं, हमारी देख रेख नहीं करी, जो छोटे छोटे काम थे, छोटी छोटी मजदूरियाँ थी, उसको हमारा निराशा हुई, उसमें हमको समय पे मिलते भी नहीं गए, जो बाजार थी, जो बाजार बड़े बड़े लालाओं ने उसको कैप्चर कर लिया, और हमारा खरा उपयोग करने का काम हो गया, कि हमसे कहा कि 100 रुपये में काम करो, 200 रुपये में काम करो, और हमारी यही है एक हमारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरा कहना ये है, पार्टियाँ सरकार को काम कराती है, पर सरकार के जो मतलब ऑफिसर्स हैं उनको इस हिसाब से मतलब उनको देखना चाहिए, मतलब हर पार्टी आती है वो अपना मुद्दा रखती है, पर क्या कहते हैं सरकार के जो ऑफिसर्स हैं उनको अगर वो अपना काम सही से करें तो सर ये काम बहुत आगे चले जाएगा, मतलब अभी भी ये काम को लोग करना चाहते हैं, मार्केट में भी डिमांड है सर, ऑल ओवर इंडिया से ज़्यादा बाहर भी डिमांड है, क्योंकि हैंडमेड को सर बाहर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालात ख़राब ही है, सरकार कहती तो है बस मदद करेंगे, 5 किलो राशन दिया, 10 किलो, उससे क्या होता है, और चीज़ कहाँ से आएंगी, कोई मदद नहीं करता, और भी तो मदद किया, आती सहायता मिलनी चाहिए, कभी नहीं मिली आती सहायता, खाली कहते हैं अखबारों में निकाय ये करा किसने, हमारे सामने आओ तो जाए, किसने करा, कभी नहीं करा, अरे किसने नहीं करा, खाली कहते हैं सांसद हो, MLA हो, कुछ हो, इस मोहल्ले में तो किसी ने मदद नहीं।
जो हमारा राज्य चलाए वो सरकार चाहते हैं। हाँ ये बढ़िया नहीं चला। कहाँ चला बढ़िया, तो तेल कितना महंगा चले गया, कहाँ से लाएगा आदमी? 300 कमाए, 300 रुपये कमाएंगे, एक किलो तेल 200 से ऊपर चले गया, अब राशन कहाँ से ले जाएंगे? अब गए सिलेंडर ही 1000 पहुँच गया। हमारे लिए कौन सरकार पहला आई थी वो भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जो अब आएगी वो भी कुछ नहीं करेंगे। सही बात है, नहीं है कोई कुछ नहीं करने वाला। फिर बड़े बड़े लोगों का ही ठहराओ, हमारा क्या ठहरा है? गरीब गरीबों का कुछ नहीं ठहरा।